ऐसा नहीं करेंगे तो दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। लमुआ में केंद्रीय मंत्री का बयान, लमुआ सुल्तानपुर, लोग नशा करना छोड़ दे तो नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएगी। हम पूरे देश में नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और सुल्तानपुर को भी नशा मुक्त कराना चाहते हैं, जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए। उक्त विचार लमुआ नगर पंचायत के सर्वोदय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को नशा मुक्त का संकल्प दिलाने आए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने व्यक्त किया। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पूर्व लमुआ में पहुंचते ही जिलाध्यक्ष आर ए वर्मा, विधायक सीताराम वर्मा, शिवाकांत मिश्र, प्रदेश कार्य समिति भाजपा उत्तर प्रदेश तथा भाजपा नेता सुशील कुमार उर्फ जूली सिंह ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि जहरीली शराब से तमाम लोगों की मौत होती चली आ रही है। पिछले 2-3 सालों में शराब के नशे में ही धुत होकर हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं। बिहार में शराब बंद है, लेकिन शराब पीने वालों की आदत नहीं गई है, वे शराब के आदि हो गए हैं, इसलिए शराब के बदले उन्हें जो भी मिल रहा है पी लेते हैं। सिर्फ शराब बंद करने से या दुकान बंद करने से हमारा देश नशा मुक्त नहीं हो जाएगा। पहली बार कोई व्यक्ति नशा खरीद कर नहीं करता, बल्कि उसके दोस्त कराते हैं। हमारा नशा मुक्त जो अभियान है, उसमें हमें नशे की शुरुआत ही नहीं होनी देनी है। उन्होंने कहा कि मेरा खुद का बेटा नशे की आदत के चलते मर गया। अगर जिसने पहली बार उसे नशा कराया था मना कर दिया होता तो ऐसा ना होता। अगर लोग नशा नहीं करेंगे तो नशे की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। हम सुल्तानपुर जनपद में हैं और मुहिम चला रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सुल्तानपुर जनपद को नशा मुक्त जनपद बनाया जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि सबके प्रयास से पूरा देश नशा मुक्त हो जाएगा। मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर गुलाब सिंह, उर्मिला सिंह, सुशील कुमार उर्फ झूली सिंह, के एल दुबे, चंचल सिंह, जगदीश चौरसिया आदि भाजपाई मौजूद रहे। बिहार में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। पिछले 6 वर्षों में वहाँ पे 1000 लोगों की मौत हो गई। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आपकी सरकार किस तरह से कोशिश करेगी, किस तरह से लगाम लगाएगी? देखिए, जहरीली शराब पीने से तमाम लोगों की मौतें होती चली आ रही हैं। पिछले 2-3 सालों में करीब आप समझिए कि दसियों हज़ार लोग सुसाइड करते हैं नशा करके। बिहार में शराब बंद है, लेकिन चूंकि शराब पीने वालों की आदत नहीं गई है, वो शराब के आदी हो गए हैं, इसलिए शराब के बदले में जो भी मिलता है वो पी लेते हैं। तो कहीं या तो कच्ची शराब बनाएंगे, या यूरिया खाद डाल के बनाएंगे, या जहरीली शराब बनाएंगे, या कहीं से शराब लाएंगे। और यहाँ तक के है कि लोग जहर की शीशी को ही पानी में घोल करके डाइल्यूट करके दे देते हैं, जिससे लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए केवल शराब बंद करना या दुकानें बंद करना से हमारा देश नशा मुक्त नहीं हो जाएगा। केवल दो ही दुकानें हैं, शराब की और भांग की, ठेके उठते हैं। बाकी जो बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू खुलेआम बिकती है, मसाला खुलेआम बिकता है, लेकिन अफीम, चरस, गांजा, स्मैक, ड्रग्स, कोकीन, ब्राउन शुगर, इनकी कोई दुकानें नहीं। जो लोग नशा नहीं करते वो लोग उन दुकानों पर नहीं जाते। नशा जो शुरू कराते हैं वो पहली बार कोई भी व्यक्ति नशा पैसे से खरीद के नहीं करता, बल्कि उसे नशा या तो दोस्त कराते हैं, मुफ्त में कराने का काम करते हैं। हमारी जो मुहिम है नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का, वो है कि नशे की शुरुआत ही नहीं होने देना है। नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को नशा शुरू करने के दिन, सबसे खराब दिन 31 दिसंबर, 1 जनवरी नए वर्ष के आगमन पर, होली और दीपावली के त्यौहार, शादी और बरात और मुंडन के फंक्शन, इनमें लोग नशा को सेलिब्रेट करते हैं और दोस्तों को अपने नशा शुरू कराते हैं। हम जो ये मुहिम चला रहे हैं, मेरा खुद का बेटा नशे की वजह से ख़त्म हुआ, अगर वो पहली बार जिसने नशे के लिए ऑफर किया था मना कर देता तो आज हमारे जीते जिंदा होता। इसलिए नशा जब पहली बार कोई ऑफर करे तो उसे मना कर देना है। तो जैसे जहर की दुकानें नहीं है, इसलिए कि जहर के कस्टमर नहीं हैं,
नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी, सभी प्रकार की नशे की दुकानें, अगर लोग नशा नहीं करेंगे। अभी कल दिल्ली में एक इसी अभियान को लेकर के हम चला रहे थे, जिसमें एक मसाला बेचने वाला तम्बाकू मसाला, पान मसाला, ये तमाम मसाले बेचने की दुकान खोले था, उसने अपनी दुकान में आग लगा दिया ये कह करके कि मैं जहर बेच रहा हूँ और कितने लोग मर रहे हैं इससे। तो उसने दुकान में आग लगा दिया और कहा नशीली चीज़ें नहीं बेचेंगे। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ सभी लोगों का, और आप लोगों को भी अपने इस आंदोलन से जोड़ करके कहना चाहता हूँ कि नया वर्ष 2023 जब 31 दिसंबर का आगमन होगा तो 11:58 पर अपने साथियों के साथ नशा न करने का संकल्प लेते हुए नए वर्ष 2023 का स्वागत करें और नए वर्ष 2023 को नशा मुक्त वर्ष बनाएं। सुल्तानपुर जनपद में मैं हूं, इसलिए सुल्तानपुर जनपद में लोग इस ज़िले को नशा मुक्त जनपद बनाएं। इसी तरह पूरे देश में आंदोलन है, 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरे देश में नशा न करने का संकल्प लेंगे। हर महीने एक व्यक्ति को इस आंदोलन से जोड़ना है और इसलिए चेन बनती चली जा रही है इसकी। जल्दी वो समय आएगा, जल्दी वो आएगा। देश की आज़ादी में 90 साल जरूर अंग्रेज़ों से लड़ते हुए लगा, लेकिन नशे से लड़ने में 9 साल नहीं लगेंगे, हमारा देश सभी प्रकार के नशे से मुक्त हो जाएगा। पंजाब में भी मैं गया हूँ, पंजाब में भी हमारी टीम है, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशलका की टीम के तहत मैंने कुरुक्षेत्र में, विश्वविद्यालय में, महेंद्रगढ़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कराने जा रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में कराने जा रहा हूँ, और हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में आपके जो है सिंह और फतेह बहादुर सिंह को 7 साल 9 साल की उम्र में उन्हें दीवाल में चुनवा दिया गया था, वहाँ शहीद भगत यूनिवर्सिटी में भी मैंने जाकर के संकल्प कराया, बड़ी डिमांड है वहाँ पर। और निश्चित तरीके से नशा न करने का संकल्प करा करके ही नई पीढ़ी को हम नशे से बचाएंगे, और जब नई पीढ़ी के बच्चे नशे के खिलाफ आंदोलन में शामिल होंगे तो जो लोग नशा करते हैं वो भी धीरे धीरे नशा छोड़ देंगे।